पीएम नरेंद्र मोदी के सूरतगढ़ दौरे की तैयारियां जोरों पर है। खुद सीएम वसुंधरा राजे दौरे की तैयारियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सीएम तैयारियों पर लगातार मंत्रियों और आला अफसरों से फीडबैक ले रही हैं। वहीं सरकार के आधा दर्जन मंत्री दौरे की तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएम वसुंधरा राजे आज से सूरतगढ़ दौरे पर हैं, जहां दोपहर बाद सूरतगढ़ के लिए रवाना होंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड के लॉन्चिंग समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद शाम को बीकानेर संभाग की समीक्षा बैठक लेंगी। शुक्रवार सुबह उनके जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर दौरे की व्यवस्थाओं और कार्यक्रम को लेकर हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 19 को सूरतगढ़ में नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग करेंगे। ये कार्यक्रम देश भर में लागू होगा। जी, हम आपको बता दें, जिस तरीके से बस मात्र दो दिन, एक दिन यहाँ बचा है पीएम मोदी के दौरे का, उसके ही चलते जो है तैयारियां जोरों पर हैं और साथ ही सभी मंत्री जो हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। सीएम खुद जो हैं अब इन तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके लिए आज सूरतगढ़ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही हम आपको बता दें, सभी तैयारियों में मंत्रियों और आला अफसर से वो फीडबैक लगातार ले रहे हैं और आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री जो हैं वो इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग यहां पर करेंगे। प्रदेश राष्ट्रव्यापी ये स्कीम है, जिसे कल राजस्थान से लॉन्च किया जाएगा, सूरतगढ़ से इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें, आज दोपहर बाद सीएम वसुंधरा राजे जो हैं वो सूरतगढ़ पहुंच जाएंगी। सभी तैयारियों का वो वहां पर जायजा लेंगी और आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये पहली राजस्थान की यात्रा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी के साथ। जी गोवर्धन, जिस तरीके से अब पीएम की पहली प्रदेश की ये यात्रा है और उसी के साथ क्या कुछ इंतजामात यहाँ देखने को मिलेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या दूसरी जो भी तैयारियां हैं, किस तरीके से की जा रही है? जी गोवर्धन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी पिछले एक सप्ताह से जो पीएम मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। 22 आरएस अफसरों को यहाँ प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगाया गया है। इसके अलावा आधा दर्जन मंत्री भी वहाँ सूरतगढ़ में दौरे की तैयारियों के सिलसिले में, जो पूरा बीकानेर संभाग है उसमें लगे हुए थे। राजेंद्र राठौर जो चिकित्सा मंत्री है, नहर मंत्री है, डॉक्टर राम प्रताप, ऐसे करके 6 मंत्री है वो पिछले सप्ताह भर से सूरतगढ़ में और आसपास के इलाकों में कैंप किए हुए हैं। जहां तक सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की बात है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लॉन्चिंग है। प्रधानमंत्री ने चुनाव कैंपेन के दौरान भी भाजपा के घोषणा पत्र का इसको हिस्सा बनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में भी प्रमुख तौर से इस स्कीम के बारे में जिक्र किया था। तो ये पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी राजस्थान से लॉन्चिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। खासतौर से कल का जो प्रोग्राम है उसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्योंकि जो कृषि मंत्रालय अवार्ड देता है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, कृषि कर्मण अवार्ड जिसे बोलते हैं, ये 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की जो लॉन्चिंग है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि किसान को मुफ्त में उसकी मिट्टी की, खेत की मिट्टी की जांच करके उस कार्ड में पूरा डेटा फीड रहेगा। और इसका फायदा ये होगा कि उसके डेटा का एनालिसिस करके किसान को ये बताया जा सकेगा कि उसके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है, कितना कौन सा खाद देना है। तो इससे किसान को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में उस पर भी रोक लग पाएगी, क्योंकि सोइल हेल्थ का पता लगने के बाद में किस उर्वरक को कितनी मात्रा में डालना है ये पता लग जाएगा। तो एक अंधाधुंध जो रासायनिक खादों का प्रयोग है ये भी, इस पे भी कुछ अंकुश लग पाएगा। ये इस योजना के पीछे कंसेप्ट है। जी, और जहां तक कल के प्रोग्राम की बात है, 1:30 बजे प्रधानमंत्री के आने का टेंटेटिव प्रोग्राम है। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन जो सरकारी तौर से बताया गया है उसके हिसाब से 1:30 बजे सूरतगढ़ के स्टेडियम में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और वहां वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो पूरा प्रशासनिक अमला है, सरकारी अमला है, वो लगा हुआ है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए जो एसपीजी की टीम है वो सारा सुरक्षा का जायजा ले चुकी है। स्टेडियम की जो सुरक्षा है वो एसपीजी और स्थानीय जो प्रशासन है और जो आमतौर पे जो पीएम के दौरे के दौरान होता है उस हिसाब से सुरक्षा भी संभाल ली है एसपीजी ने। और चप्पे चप्पे पर वहां सुरक्षा कर्मी तैनात है। किसी भी
व्यवस्था में कोई खामी न रह जाए, इसलिए राज्य सरकार का पूरा अमला भी वहाँ जुटा हुआ है। जी जी शुक्रिया गोवर्धन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं, एक हफ्ते से ही जो सभी एक दर्जन मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज सीएम जो हैं वो खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूरतगढ़ पहुँचेंगे।